3, 2, 1. Hello, Assalamu Alaikum. My name is Muhammad Billal Ali and you're watching the Iambillal. This video took a while. I have been thinking of and I had been planning to make a video and to make content on my personal channel for a long time now, but excuses kalo, burnout kalo, lack of motivation kalo, laziness kalo, uski wajah se I haven't been able to do it. So this is an excuse killer and this is an experiment which I'm going to do today. So today we're gonna do a serial and a season review. One of the few things that I have done this quarantine is I completed Ertugrul. So, and this channel is me, my thoughts and my experiments. So welcome world. So I completed Ertugrul and this is my honest review. PS, disclaimer, I'm not technically sound as per the technicalities of a season or a movie, to so to say ke kahan pe script galat ho gaya, kahan pe ye hai, kahan pe wo. I'm not like that kind of person, to be very honest. Main to zyada season wala dekhta hi nahi. Peaky Blinders, Games of Thrones, Friends, Suits, सब कुछ भी देखा हुआ इनमें से मैंने ना मैं देखे गिन चुन के 3 से 4 देखे हुए हैं, उनमें से एक ये था और मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट थी आइडियाज़ की, तो उनमें से बस देखा सबसे जो इजी एग्जीक्यूट होने वाला जो आइडिया था वो ये था कि मैं अर्तुगरुल का रिव्यू दूँ एज अ जनरल पब्लिक, एज अ जनरल ऑडियंस. खैर, तो व्हाट आई मेक ऑफ द सीज़न इज़ के इट्स रियली रियली ऑडियंस फ्रेंडली. मतलब आपको लिटरली स्पून फीड की है पूरी कहानी, ठीक है ना, कि अब ये होगा, ये ऐसे हुआ, ये इस वजह से हुआ, ये ऐसा है तो ये ऐसा है. कोई ख़ास क्लिफ हैंगर्स, ठीक है ना, कोई सस्पेंस के कट्स और कुछ भी ऐसे नहीं रखा हुआ उस मूवी सीज़न में, ठीक है ना. बहुत बहुत ही कम, एक दो दफ़ा है गिन के, बाकी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी है. पहले शुरू शुरू में पहले 2-3 सीज़न तो बहुत डिटेल है कि हर ज़िंदगी की चीज़ बताई हुई है कि अब ये हुआ, फिर अब ये हुआ, फिर अब यहाँ पानी पिया उसने, यहाँ बैठ के उसने नमाज़ पढ़ी, ठीक है ना, ये यहाँ पर जाके उसने ये फलाने बंदे से ये बात की. पहले तो 2-3 चीज़ें तो उसने ये बिल्कुल एवरी सिंगल थिंग डाली हुई सी. और सीज़न 4 में थोड़ी उसकी, सीज़न 3 के बाद सही वाली पेस पे कोई सीज़न की, ठीक है ना. सीज़न 3 के बाद वो वक्त आता है सीज़न का, वो टाइम आता है सीज़न का जब आपको एक्चुअली लगता है कि यार अब नहीं छोड़ सकता मैं, ठीक है ना. फिर आपको जब किसी सस्पेंस आता है कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ. फाइनल सीज़न की एग्जांपल है, इस तरह लॉन्ग एक लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए एक पास घंटा होता है. आप पहला पैराग्राफ बड़ा डिटेल लिखते हो, दूसरा पैराग्राफ बड़ा डिटेल लिखते हो, तीसरा बड़ा डिटेल लिखते हो, चौथा बड़ा डिटेल लिखते हो, पाँचवें भी अगर आप देखते हो कि भाई सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, वो आप जल्दी जल्दी स्पीड मार मार के ना ख़त्म करने की कोशिश करते हो उसको. सीज़न में भी बिल्कुल ये वाइब आ रही थी कि पहले 4-5 सीज़न बिल्कुल हर चीज़ दई हुई फुल डिटेल हिस्ट्री की, हर चीज़ की, अब ये हुआ, फिर अब ये हुआ, फिर अब ये हुआ, फिर अब ये हुआ. और 5वें सीज़न में पहले ही उन्होंने 10 साल आया किए कि 10 ईयर्स लेटर, और उसके बाद भी उसने कोई 5 सालों की कहानी एक सीज़न में डाल दी, ठीक है, और प्रमोशन भी कर दी अपने अगले उसकी सीज़न की उस्मान की. तो ये थोड़े से होकर टेक्निकल क्रिटिसिज्म. उसके अलावा इट्स रियली क्या कहते हैं उसको, फैमिली फ्रेंडली शो, ठीक है ना. मतलब बहुत वो नहीं है, ठीक है ना, इट्स नॉट एग्जैजरेटेड. मतलब जिस तरह है उस तरह ही है, बंदे उसे मरते हैं, ठीक है ना. मौला जट की तरह 20 गोलियां खा के वो फिर भी अल्लाह अकबर करके खड़े नहीं हो जाते, ठीक है. वहाँ पे बंदे मर शहीद होते हैं उस सीज़न में दिखाए हुए हैं, और जैसे हिस्ट्री है काफ़ी हद तक वैसी ही दिखाई हुई है, ठीक है. तो या इफ यू, व्हाई डिड आई वॉच इट, वॉज बिकॉज मेरे अब्बू देख रहे थे, ठीक है ना, और मैं उनको कंपनी दे रहा था. बट इफ़ यू आस्क मी कि सारा सीज़न अकेले में देखो तो आई वुडेंट वॉच इट बिकॉज इट्स टू लॉन्ग, और मेरा वैसे ही मोमेंटम नहीं है सीज़न देखने वाला, ठीक है ना. तो या दिस वॉज माई रिव्यू, ठीक है ना. दिस वॉज आई एम बिलाल रिव्यूइंग अ सीज़न. ओ वाई, ओ माई गॉड. खैर, तो दिस वॉज माई रिव्यू. ओवरऑल आई वुड गिव इट अ
6 और 7 आउट ऑफ 10 ठीक है सीजन को, बिकॉज टेक्निकली टेक्निकल एस्पेक्ट से लास्ट में कोई बहुत ड्रामेटिक स्टोरी लाइन थी जो कि हिस्ट्री थी, उसमें स्टोरी लाइन तो है ही नहीं, ना कोई खास क्लिफ हैंगर्स थे, ना कोई खास ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से सस्पेंस मेंटेन रखे रह जाए, ठीक है, ना कोई मोमेंटम मेंटेन किया जा रहा था, कभी बहुत दिल का कभी बहुत वो था हाई, कभी बहुत लो था। तो आई वुड गिव इट अ 6 आउट ऑफ 10, एंड इट्स अ सीज़न जो मैं देख लिया है, लेकिन अगर मैं अकेले में हूँ तो मैं ना देखूँ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लंबा है और कोई बहुत आई कैचिंग नहीं बनाया हुआ, बड़ा सिंपल सा बनाया हुआ। सो दिस वॉज बिलाल एंड आई वॉज रिव्यूइंग, मतलब बिल्कुल स्पॉइलर फ्री मैंने रिव्यू बनाया जितना वो लगता था मैं अर्तुरुल का, ठीक है, इट्स अ नाइस सीजन, आई लव्ड इट, बट आई एम अगेन सेइंग इट कि अगर मैं अकेले भी होता, अकेले देख रहा होता, तो मैं ये सीज़न ना देख पाता पूरा, इवन पहला सीज़न भी ना पूरा कर पाता। तो या स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज, नेक्स्ट वीडियोज इस तरह की नहीं हो रही, ठीक है ना, बुक रिव्यू ज़रूर करूँगा मैं, लेकिन ये वाहिद सीज़न रिव्यू था जो मैंने सोचा हुआ करने का, बाद में कोई और सीज़न देखूँगा जो कि बहुत कम चांसेस है देखने के, लेकिन देखूँगा तो ज़रूर उसका भी रिव्यू कर लेंगे। दिस वॉज मोहम्मद बिलाल अली, यू आर वॉचिंग आई एम बिलाल, सी यू द नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़। हाँ बेहतर।